हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज एक छोटा सा वीडियो आपके लिए हम लेकर के आए हैं कि लास्ट मोमेंट में आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए, जैसे कि एग्ज़ाम क्लोज आ रहा है, देख रहे हैं कि कई सारा व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में नया नया पीडीएफ का भरमार आ गया है। समझ में नहीं आ रहा है कि ये लास्ट मोमेंट में इस तरह का पीडीएफ शेयर करना कहाँ तक जायज़ है, क्योंकि लास्ट मोमेंट में आपको बस अपना पढ़ा हुआ चीज़ को रिवाइज़ करना है। और अगर आप में कॉन्फिडेंस है तो आप निश्चित तौर पर अभी कोई भी पीडीएफ, कोई भी आलतू फालतू चीज़ पे ध्यान नहीं दीजिएगा। और अगर आप अभी भी अंडर कॉन्फिडेंट है कि आपको पता नहीं कि आपका प्रिपरेशन अच्छा है या नहीं है, तो आप केवल सिर्फ और सिर्फ जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को रिवाइज कीजिए। आप मोमेंट ऐसा नहीं है कि आप जो है रूल एक्ट रेगुलेशन को डीपली फिर से पढ़िए, या कोई आपको पीडीएफ दे दे रहा है डीप से बना करके तो आप उसको पढ़िए। अभी ये सब का टाइम नहीं है फ्रेंड्स। हम अपना एक्सपीरियंस से बता सकते हैं, लास्ट मोमेंट में अगर आप किसी भी तरह का मिस्टेक कीजिएगा तो ये इसका सीधा सीधा असर आपके एग्ज़ाम के परफॉर्मेंस में पड़ेगा। अभी फ्रेंड्स, आप जितना तैयारी किए हैं डेट सफिशियंट, उससे ज़्यादा के बारे में आप ज़्यादा मत सोचिए। आप जितना तैयारी किए हैं, 6 महीना सामने से तैयारी किए, वही परफेक्ट तैयारी है। और अब जो है ना, आपको बस उसी सबको बार बार रिपीट करना, रिवाइज करना। आप नया चीज़ पे ज़्यादा मत चाहिए। देख रहे हैं बहुत डीप डीप क्वेश्चन बना बना के अभी कुछ पीडीएफ शेयर हो रहा है, जिसमें मतलब लोग जो है उसको सेल कर रहे हैं बोल के कि ये क्विक रिवीजन के लिए ऐसा वैसा है। कुछ पीडीएफ हम अभी देखे हैं, मतलब कोई हमको स्क्रीनशॉट लेकर के भेजा कि सर इतना हार्ड हार्ड क्वेश्चन ये सब पीडीएफ में, क्योंकि वो एक कैंडिडेट था, वो उसको पैसा देकर के खरीदा था, अराउंड 1000 रुपया में उसको वो पीडीएफ मिला था। तो वो 1000 रुपये का पीडीएफ जो उसको मिल गया, उसके बाद वो मेरे को स्क्रीनशॉट भेज करके बोला कि सर इसमें तो ऐसा ऐसा चीज़ दिया जो हम कभी पढ़े ही नहीं है, या पढ़े भी हैं तो हम इसको लाइटली पढ़ेंगे। तो हम उसको समझाएं कि बाबू देखो, जो बेच रहा था वो पैसा के लिए बेच रहा है, तुमको अपना लाइफ को ध्यान में रख करके कोई भी चीज़ पढ़ना है। तो बुक इतनी मोटी होती है, लेकिन क्या हम लोग पूरा बुक का हर चीज़ को लाइन बाई लाइन याद करते हैं? नहीं, हम लोग को एलिमिनेट करना है, जो जरूरी नहीं है उसको एलिमिनेट करना है। अब जो टाइम आया वो एलिमिनेशन का टाइम आया। आप एक एक चीज़ को छांटते चलिए जो इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे कि कुछ दिन पहले एक फ्रेंड बोला था कि सर एलिमिनेशन वाला हम याद नहीं कर पाए अभी तक। हम उसको बताया कि देखो यार, याद नहीं कर पाया तो तुम्हारे पास दो रास्ता है। एक रास्ता है कि इसको तुम छोड़ ही दो, अगर क्वेश्चन आया तो वो तुम इग्नोर करके चलो, या फिर एक मेरा तरीका है, अगर तुमको अच्छा लगे तो उसको यूज़ करना। तो पूछा कि सर क्या तरीका है बताइए, तो मैं उसको बताया कि वो जो इल्यूमिनेशन है उसको 3 से 4 पार्ट में आप डिवाइड कर दो। एक में लिखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक में लिखो वेरी इंपॉर्टेंट, एक में लिखो एवरेज मतलब इम्पॉर्टेंट है, और एक में लिखो सबसे कम इम्पॉर्टेंट होगा। और ये चारों को आप जो है अपना फिल कर लो। और जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो जो इल्यूमिनेशन का जहाँ जहाँ वेरी इंपॉर्टेंट आपको लग रहा है, वो चीज़ को आप कम से कम याद कर लो। इसके बाद टाइम मिले तो इम्पॉर्टेंट वाला में जाओ। आप एक लाइन से सब याद करने चाहिएगा तो नहीं हो पाएगा। सेम इसी तरह आपको अगर प्लान का लोगो और उसका कलर नहीं याद हो रहा, तो आप उसको 3 पार्ट 4 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए कि वेरी इंपॉर्टेंट कौन सा, इम्पॉर्टेंट कौन सा है, और फिर उस आधार पर जो है आप अपना प्रिपरेशन कीजिए, तो भी सक्सेसफुल हो पाइएगा। आप ही के समय में आप सब कुछ लेकर के बैठ जाइएगा तो पॉसिबिलिटीज यही है कि आप कुछ भी नहीं, अंततः आप कुछ भी नहीं कर पाइएगा। आप सब कुछ लेने के चक्कर में कुछ भी नहीं लेकर के जाइएगा। बेटर है थोड़ा सा लेने के लिए सोचिए और उसी को अचीव कीजिए। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको मेरा ये सुझाव अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा सुझाव अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एक बार लिख करके बता दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम हम इस टाइप का वीडियो बना सकें। अगर आप लोग को पसंद नहीं आया तो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं कि सर मुझे इस टाइप का वीडियो अच्छा नहीं लगा, आप इस तरह का वीडियो मत बनाया कीजिए, हम आपका सुझाव का कद्र करेंगे। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।